कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बातों ही बातों में राहुल गांधी बॉलीवुड फिल्म्स का नाम ले देते हैं, जिसके कारण वो ट्रोल्स के निशाने पर आ जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपने भाषण में ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन का जिक्र किया, जिस वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। सोना महापात्रा ने भी ऐश्वर्या राय का नाम लेने के लिए कांग्रेस नेता को खरी खोटी सुनाई है। 20 फरवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते थे। अपने भाषण में उन्होंने ऐश्वर्या राय के नाम का भी जिक्र किया। देश की राजनीति में बेवजह ऐश्वर्या का नाम घसीटा गया तो मशहूर सिंगर सोना महापात्रा ने भी इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी के लिए ट्विटर पर पोस्ट लिखा है, फैक्सिस्ट की आड़ में कुछ राजनेता फायदा उठाने के लिए अपने भाषणों में महिलाओं को अपमानित करते हैं। प्रिय राहुल गांधी, यकीनन किसी ने आपकी माँ बहन को इसी तरह अपमानित किया है। आपको बेहतर ढंग से पता होना चाहिए कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर डांस भी करती है। सोना महापात्रा के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स भी ऐश्वर्या राय को लेकर किए गए कमेंट पर राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रयागराज यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखी, क्या आपने वहां कोई ओबीसी एससी एसटी चेहरा देखा? इसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और पीएम मोदी शामिल हुए थे, लेकिन वहां हमने उन लोगों को नहीं देखा जो असल में देश चलाते हैं।